पहले मुझे लगा ये तो बीजेमआई वाले बंदे ही होंगे जो मेरे पे रच कर रहे हैं, लेकिन ये निकलते हैं भेड़िए की औलाद। तो भाई लोग कैसे यार, स्वागत है आपका एक और नए बीजेमआई के गेम प्ले वीडियो में। अब बीजेमआई में ये देखो लॉबी में कितने सारे बंदे खड़े हैं, और आप लोग लड़ते किन से हो? इन्हीं से तो लड़ते हो, लेकिन मैं इनसे नहीं लड़ने वाला। आज मैं लड़ने वाला हूँ कुत्ते कुत्तियों से। तुम देखना भाई आगे, अरे बंदे कुतिया बन के मेरे से लड़ने की कोशिश करेंगे। अरे भाई जो ही मजा आने वाला है देखना तुम आगे वीडियो में, हंसी छूट जाएगी। मेरे से लिख के ले लो, लिख के दूं बताओ? नहीं। दौड़ रहा था एक घोड़ा, तबड़क तबड़क तबड़क, कितने गौर से सुनना है बहन का। शाबाश भाई, ऐसी शायरी करोगे तो यहाँ पे क्यों बैठे हो यार? शायरी वाले शो पे पहुँचना चाहिए ना आपको, इधर कुछ नहीं करना। क्या मतलब ये घटिया लैंडिंग मैंने छुपाने के लिए बकवास कर दी? ये हटाओ तुम्हारे, चलता है यार कभी कभी लैंडिंग हो जाती है। मरा नहीं हूँ, मरूंगा तो बेइज्जती करना। अभी रुक जाओ थोड़ी देर। अभी सीन ऐसा, जो बंदे एकदम बीचों बीच कोपचे में कूदे थे वो सारे घुस गए अंदर, छेद के अंदर, ठीक है? तो मैं आ गया इधर, क्योंकि मेरे को चाहिए थी इसकी। ये बंदा बहुत देर से फट 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 गोली चलाया जा रहा था। अभी नीचे दो और नमूने हैं, इनको पता नहीं है। ये देखो ये नज़ारे लेने आएंगे, इनको लगेगा अरे यार होगा कोई, देख लेते हैं कहाँ बैठा है, आओ जरा देख लेते हैं। भाई नज़ारे क्या देखने आ रहा है, पिक्चर थोड़ी ना बन रही है सामने का, वीडियो बनाने आ गया तो क्या करने आया था? पता नहीं, मुंह देखने आया था मेरा शायद ये। अभी रहा यहाँ पे, मैं आगे बढ़ता हूँ जिंदगी में। अपने भाई की पिटाई कर दी है किसी नग्गू नामक बंदे ने, और ये देखो रश भी कर रहा है मेरे टीममेट पे। अभी ना इसका तुम नाम याद रखो, नग्गू। ये है भाई 100 रुपये वाला बंदा, इसको बाद में पहलूंगा, पहले रास्ते की धूल साफ करना जरूरी है गाइस, वरना ये मेरे पीछे कांटा भोंकेगी फिर मिलेगी नहीं, है ना? ये इन वाले बंदों को निपटाना जहाँ जरूरी था। अब सामने की तरफ कुछ बंदे बैठ चुके हैं जाके। अरे बस कर भाई। अमा भाई बस भी कर दो, अब एक शायरी कितनी बार गाएगा, बस कर। कितना घोड़े को दौड़ा दौड़ा के तू घोड़े की टांगे जरूर खराब कर देगा, है ना? सामने का एक बंदे को नॉक करता हूँ। अब मैं सीधे रश भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नीचे एक बंदा मूर्ति बन के बैठ गया है। करन अब मेरे टीममेट की बातों पे जरा ध्यान मत दो, वो भाई हर समय मुंह में चौको रखता है अपने, इसलिए उसकी आवाज ना साफ नहीं आती, हर समय गंदी आती है, गंदगी की तरह, ठीक है? ये सब हटाओ। ये तुमने बंदे की कैंपिंग देखी भाई, ने पूरी जान लगाई, पूरा जीवन यही बिताया कैंपिंग में, लेकिन कुछ उखड़ा नहीं, और मेरा टीममेट आते आते पिट गया। किल के लिए तो देखो भाई कितना मरते हैं, कितना मर रहा भाई, मर गया है बिल्कुल मर, और मेरे किल मेरी आंखों के सामने चुरते हैं। अरे मेरे तो भाई जीवन में दुख ही दुख है, दुख ही दुख भाई। तुमने देखा है लैंड करूंगा उससे पहले 10 किल पहले ही चुर जाएंगे। अरे रुक तो जा भाई, तुम्हें भी घोड़े जैसी बहुत जल्दी हो रही है, जैसे घोड़ा जल्दी करता है ना भागता है, उसकी तरह इसको भी जल्दी है। अभी रुको, बंदे को मैंने डैमेज तो दे दिया, अब मैं बन गया चमगादड़ की औलाद, रुकूंगा थोड़ी ना यहाँ पे ऐसे। लो भाई नाम पढ़ लो, नग्गू, प्लेन भी इसी की यार पे आई थी ना, सुला दिया, यही था, बहुत जोश में था। अरे बेटा जब गोली पड़ी है पीठ पे तो शांत नहीं बैठ मिल रहा है, लड़ने के जोर भाई में अब भी पूरे बकाया थे, फुल जोश में लड़ रहे हैं भाई कतई। भाई रिकॉल तो कर दूंगा, पर इस बंदे का नाम पढ़ो, भिखारी। ये बीजेमआई में भिखारी कब से खेलने लगे यार, ये तो सही में भिखारी लग रहा था यार, ना भाई पे कपड़े हैं ना ही बंदूक है। मैं समझ सकता हूँ भाई आपके जीवन का दर्द यार, गाइस बीजेमआई वालों भिखारियों को मल्लाओ, यहाँ पे मजा नहीं आता। फिर सीन ऐसा था, मेरा टीममेट तो पिट गया भाई हमेशा की तरह, अब वो मेरे पीछे डंडा कर रहा है कि रिकॉल कर, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता मैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। डॉक्टर कुमार वहां किसका इलाज कर रहे हो बैठ के, कहीं पकड़ के क्रोम तो नहीं खोल लिया आपने? मेरे को लग रहा है डॉक्टर साहब भी पता चले ये सब हरकतें कर रहे हैं। अरे मजाक से हटके भाई, क्या ढीठ बंदा है वो, सुन सोच सकते हो लिटरली वहां। अरे कुछ मैं क्या ही बोलूं, कहां बैठा है भाई वो, कहां बैठा है। खैर अभी गाइस टाइम आ चुका है कुछ जानवरों से लड़ने का,
अब वो कैसे जानवर है तुम लोग खुद देख लो। असल में मेरे नीचे की तरफ थे बंदे, मैंने कहा आओ जरा इनको रश करने दो, अब इनको पता है मैं जिंदा हूँ, लेकिन ना इनको देखो कुत्ता कुतिया बन के आना है मेरे ऊपर। और आओ भाई, इतना जोश गाइस इनके अंदर कहाँ से आया मेरे को नहीं पता, लग रहा है जोश की गोली की पूरी डब्बी खा के आ गए भाई। अरे मैं इंसान हूँ भाई, कुछ कुछ औकात तो रखो, कतई ऊपर चढ़ रहे हैं भाई कुत्ता कुतिया बन के, कतई इज्जत ही नहीं है तुम्हारे भाई के गांव के अंदर, क्या करूँ भाई मैं। खैर अभी मैं सबको रिकॉल करता हूँ, ये देख लो अंधा चढ़ा जा रहा है, कतई चढ़ गया है, चढ़ रुकेंगे नहीं भाई, वही है भाई झुकेगा नहीं साला है। पुष्पा राज बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। खैर 11 किल मेरे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी बंदे यहाँ पे गाइस खत्म नहीं हुए, एक के बाद एक बंदे चढ़े जा रहे हैं हम लोग पे। करने का था भाई मेरे को करना है बड़ा अपने किल का नंबर, ठीक है। तो घूम रहा होता हूँ इधर, फिर से भाई पंछी बन गया, चमगादड़ बन गया, और कुछ काम है नहीं बस भाई मेरे पे। तो सबसे पहले मैं एक नेड़ पिन करता हूँ, क्योंकि आगे हो रही है एकदम जबरदस्त लड़ाइयाँ। और ये कौन सा बंदा था भाई, या तो तू लड़ाई कर ले या तो भाई तू भाग ही ले, क्या क्या करना क्या चाहता था जीवन में। इसके पीरी डालता हूँ, अब बाकी के सारे बंदे भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में भाग गए, क्योंकि मेरे को तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये देखो ना कोई यहाँ रिवाइव दे रहा, सबकी पेटी बन गई क्या, मेरे किल कहाँ गए यार, मेरे साथ क्यों होता है ऐसा साला, ये दुख का खत्म नहीं होता। खैर कोई ना भाई, थोड़ी देर टाइम पास करता हूँ और एक और किला आ जाता है, 13 किल हो गए, ठीक है। अब मैं ढूंढ रहा होता हूँ ये इतनी सारी लड़ाई हुई, बंदे हैं तो हैं कहाँ। तो चमगादड़ की औलाद जैसे ही बना उतरे में ही ये पेल दिया भाई नग्गू ने, बदला ले लिया चमकादी किल फीड। अब भाई यार मैं भी कुछ कर नहीं सकता था, रूट वगैरह ऐसा बना कि भाई मैं उस वाले बंदे पे लैंड नहीं कर पाया, उससे बदला तो मेरे को लेना था। अब पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अपन लगा चुके हैं अभी इस पिद्दू इवेंट पे भाई। पिद्दू नहीं है ये उत्था ही बड़ा, उत्ता तो नहीं, खैर दो मिलेंगे लेकिन है बहुत बड़ा, और यहाँ पे कैंपिंग कुछ ज़्यादा ही होती है। अब यार तुम लोग को पता है रैंडम टीममेट तो भाई किसी काम के होते नहीं है, किसी भी गेम में किसी भी काम के नहीं होते, मेरे बहुत कम बार हो गया कि काम के। ठीक है भाई, पूरा तो उसको मार दिया, और जो बंदे अच्छे से हेडफोन वगैरह लगा के वीडियो देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा यहाँ पे आसपास बहुत सारे बंदे हैं भाई। देखो एकदम जबरदस्त वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं। पहले मैं इधर आता हूँ, उतने में ये दिख जाता है देखो, और अपना एक ही सूल है भाई, जब तक बंदा देख रहा है तब तक गोली चलनी चाहिए, धुआं निकल जाना चाहिए बस डब्बे में से, इतना ही मेरे को चाहिए, ठीक है। एक आध बंदे का इधर और दे, लेकिन मैं डायरेक्ट कहीं भी रश नहीं कर सकता क्योंकि फंस चुका हूँ भाई, अकेला हूँ, क्या उखाड़ेगा गरीब आदमी ये तो बता दो। तो उन वाले बंदों को अलविदा बोल के थोड़ा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अपनी जिंदगी में, ठीक है। सामने लाल वाले घर की तरफ से फायरिंग फूरिंग आ रही थी, लेकिन इस वाले घर के अंदर तो कोई लाल बंदा ही बैठा है, तो इसको तो गाइस पेलना पड़ेगा, अभी ये बैठ चुका है। मैंने कहा ये रे हिलने वाला, लो इसको आओ जरा पेल ही देते हैं अच्छे तरीके से, भाई भी नेट कर रहे हैं देखो। अरे भैया धुआं क्यों कर दिया, ये क्या करना चाह रहा था धुआं करके, गलत काम नहीं यार, ये गेम में मत, गेम में तो छोड़ दो कम से कम, अरे असल जिंदगी में नहीं छोड़ा जा रहा पता है मेरे को, गेम में छोड़ दो यार कम से कम तुम। तो अभी गाइस देखो जहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, मैं एक आध और बंदों से यहाँ पे लड़ाई करता हूँ, देखो इसको पूरा नॉक किया फिनिश कर देता, पर ये दिल जो बना होता है ना ये सही में मेरा दिल हमेशा तोड़ता है भाई। वो बंदा बच जाता है और उसकी पूरी टीम आ गई, मैं इधर अकेला बचाऊँ, मैंने फॉल बैक कर लिया और बंदों को छोड़ के जाता हूँ। अब ये बंदे ओपन से रश कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने एक और को नॉक कर दिया, मैंने कहा सही है एक आध किल तो उठा ही लूंगा कम से कम, दूसरा दिखता है भागते हुए। अरे यार दो बंदे मारने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, पिटी गया मैं, आप क्या कर सकते हैं। खैर मेरे को पता है तुम लोग भी निराश होगे, तो निराश मत हो, आप लोग के लिए खुश करने के लिए कुछ मेरे पे पड़ा है, ये वाला क्लच देख लो तुम। Awesome. Thanks. हो
होल्ड इट, डोंट फायर।